हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड सिक्योर। प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करेंगे आज का जबरदस्त सेशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि जीडी का पेपर बिल्कुल सर पर है प्यारे बच्चों, तो हम कर रहे हैं हाँ इस नए साल के दिन है ना 1 जनवरी को क्या मैराथन क्लासेस। आज जबरदस्त मैराथन क्लासेस आपको मिलती रहेंगे प्यारे बच्चों। अभी हम कर रहे हैं इंग्लिश की जीडी मैराथन क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को क्लास ध्यान से देखनी है ना, अच्छे से नोट करनी है, अच्छे से क्लास को नोट करना है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्लास है ना, ये लगाते रहो, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लास है ये लगाते रहिए आप, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों। तो हर रोज ये क्लास होती है सुबह 10:30 बजे, 10:30 पर। कहां पर होती है? अन अकेडमी का जो एसएससी एग्जाम्स लाइव चैनल है, अन अकेडमी लाइव का जो एसएससी एग्जाम्स चैनल है, वहां पर प्यारे बच्चों। इससे आपको बहुत फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ वोकैब, इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इवन इट विल हेल्प यू इन योर स्पोकन इंग्लिश ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास प्यारे बच्चों। क्लास हर रोज सुबह होती है 10:30 बजे अन अकेडमी एसएससी लाइव चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज रवि सिंह राठौर, आई एम एमए इन इंग्लिश, नेट क्वालिफाइड प्यारे बच्चों। हियर आई एम टीचिंग फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स, बट आई हैव टॉट हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, डिफेंस, कैट, क्लैट, आईएलटीएस, जेईई, गेट, एनडीए, सीडीएससी, एपीएफ। आई हैव मोर देन 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। So, some of my students are rank holders, प्यारे बच्चों। This was about myself, moving ahead. So, this is the YT schedule of daily YT schedule, प्यारे बच्चों। 10:30 AM पर द हिंदू वोकैब शो, जिसका अभी मैं बता रहा था आपको, और 8 बजे प्यारे बच्चों ग्रामर के लिए लगाते रहिए क्लास। दोनों क्लासेज अन अकेडमी एसएससी लाइव चैनल पर होती हैं, 8 बजे रात को और 10:30 बजे सुबह प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों 12 बजे और 2 बजे प्लस की क्लासेस हो रही हैं। बाकी सारी क्लासेस के लिए, स्पेशल क्लासेस के लिए, क्लास के पीडीएफ्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, आप इस वाले टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। सर्च कर लीजिए इंग्लिश बाय रवि सर, आपको मिल जाएगा है ना, @englishbyravisingh_unacademy ऑफिशियल चैनल है प्यारे बच्चों। इंग्लिश बाय रवि सर करके आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो सब बच्चे इस पर जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं। देखिए न्यू ईयर है, ठीक है? सबसे पहले तो भाई मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, साथ के साथ आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें और आप लोग इस ईयर में जो भी अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, अन अकेडमी की पूरी टीम आपको शुभकामनाएं देती है कि आप वो अचीव करें, ठीक है? इसके अलावा प्यारे बच्चों ये जबरदस्त ऑफर अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है ना, ताकि आपका ड्रीम जो है वो फुलफिल कर पाए, आप अचीव कर पाए अपने टारगेट को प्यारे बच्चों। तो क्या है ये? रिजॉल्व 2023, जहां पर आपको एक रेजोल्यूशन लेना है कि इस साल हर हाल में मैं अपनी सरकारी नौकरी का जो ड्रीम है, जो सपना है, वो पूरा करूंगा, है ना? ये प्रॉमिस आपको करना है अपने आप से। अच्छा, इसके अलावा अन अकेडमी की पूरी टीम जो है, एजुकेटर्स की टीम प्यारे बच्चों, वो इसमें आपका साथ देगी। यहां पर देखिए 23% का ऑफ मिल रहा है प्यारे बच्चों। जो भी बैचेस 1 जनवरी से, 1 वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सब पर आपको है ना 23% का डिस्काउंट मिल रहा है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको लाइव क्लासेस का, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस होते हैं, कोर्स पूरा पहले से ही मालूम होता है कब कहां पर कौन सी क्लास होगी, किस दिन कौन सा टॉपिक होगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग होती है प्यारे बच्चों बाय द टॉप एजुकेटर्स, आपको क्लास के अंदर ही सारे डाउट सॉल्व करवाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, सब कुछ आपको मिलता है प्यारे बच्चों। तो अगर आपको प्यारे बच्चों ढंग से ये एग्जाम करना है, तो दोस्तों आपके पास सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, आपके ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अभी 23% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। आपको जो कोड लगाना है मेरे बच्चों, वो लगाना है RAVI, ये मेरा नाम है रवि, इसके साथ में 0, इसके साथ में 1, RAVI01 कोड लगा दीजिए प्यारे बच्चों, आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए आइए अब आगे शुरू करते हैं। ये सारे बैचेस अभी स्टार्ट हुए प्यारे बच्चे, नए बैचेस सब अभी स्टार्ट हो चुके हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लर्निंग नीड्स, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी प्यारे बच्चों सारी की सारी, है ना? अच्छा, इसके अलावा कॉम्पीट आपको मालूम ही है, अकेडमी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें प्यारे बच्चों, वहां पर आप जान सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं। एसएससी के
नोट्स मिलते हैं, क्लास के नोट्स आपको मिल जाते हैं अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो। इसके अलावा किसी भी लाइव क्लास में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, डाउट का रिप्लाई आपको दिया जाएगा और हैंड रेज करके आप टीचर से बात भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं प्यारे बच्चों प्लस का या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेने पर। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, इसके लिए आपको कोड रवि01 लगाना पड़ेगा और आपको 23% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आइए अब शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं सब बच्चे। जीडी पर मैराथन सेशन कर रहे हैं पूरे दिन आज लगातार प्यारे बच्चों, है ना। पेन कॉपी ले लेना और ध्यान से चीजों को करना प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एरर डिटेक्शन है प्यारे बच्चों। पिछले एग्जाम में जो आए हुए एरर्स हैं वो हम करेंगे, ध्यान से बनाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से बनाएंगे। नाउ इट सेज एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग आर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आर सिटीज। नाउ लेटरिंग की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है यहां पर प्यारे बच्चों? लेटरिंग क्या है यहां पर? वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? ये जो वर्ड लेटरिंग है ये है क्या भाई? ये वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, व्हाट इज इट? तो ध्यान रखना ये वर्ब नहीं है, हर आईएनजी वाला वर्ड वर्ब नहीं होता, इससे पहले प्रेपोजिशन लगा हुआ है। प्रेपोजिशन प्री पोजिशन पहले पोजिशन लेता है किसी नाउन या प्रोनाउन से। प्रेपोजिशन इस चीज की पहचान है, इस चीज का रिकॉग्निशन है कि इसके बाद नाउन ही आएगा। तो ये जेरंड फॉर्म में नाउन लिखा हुआ है, लेटरिंग का मतलब है गार्बेज, गंदगी, डर्ट, फिल्ड। सो एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लेटरिंग आर कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आर सिटीज। दुनिया भर की परेशानियां, दिक्कतें, बीमारियां फैला रहा है ना। अब इस यहां पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन आया हुआ था एसएससी जीडी में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है? अगर कोई चीज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इनसे जुड़ी हुई है, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर लिख लें, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन कंपनी ऑफ, अपार्ट फ्रॉम। तो इस कंडीशन में जो पहले वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब इस्तेमाल करना, यानी ये सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है, और वर्ब यहां पर प्लूरल लग गई है, गलत हो गया, इज। तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आसान आएंगे, लेकिन परेशानी तब होगी मेरे बच्चों आपको जब आपके पास कंसेप्ट नहीं है। आप सिर्फ रूल नंबर अगर आपने रट रखे हैं और इस तरीके का अगर हमने सीख रखा है तो हमें दिक्कत आने वाली है। सही क्वेश्चन बना, एयर पॉल्यूशन टुगेदर विद लटरिंग इज कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आर सिटीज। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से बनाओ। सभी बच्चे अक्यूज्ड रिफ्यूज टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। द अक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी। देखिए जरा एक बार, अब एक्यूज सेंटर का सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। रिफ्यूज जो होती है ना प्यारे बच्चे, एक ट्रांसटिव वर्ब होती है। ट्रांसटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपना ऑब्जेक्ट उठाती है सीधा, ठीक है। आई रिफ्यूज टू हिम नहीं, आई रिफ्यूज्ड हिम।
तो ट्रांसटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद अपना ऑब्जेक्ट उठाती है, उसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आता है। सो द अक्यूज रिफ्यूज्ड आंसर टू द पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, दैट इज द करेक्शन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, चाहे प्रपोजिशन से समझ लो उसे, चाहे वर्ब से समझ लो, बट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वन उठा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ो सब बच्चे। व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द सेशन? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी में पहले पूछे गए हैं, तो आज नए साल के दिन भी प्यारे बच्चे आपके साथ पूरे जज्बे के साथ अन अकेडमी की पूरी टीम लगी हुई है ना, ताकि आप अपना इस नए साल में आपका ड्रीम जो है वो अचीव कर पाएं, आप अपना गोल जो है उसे हासिल कर पाएं। सो व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग दिस सेशन? पढ़ने में ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल आपको सही लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं लोग, लेकिन पता है कि एक सेंटेंस यहां पर देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरीके का एक सेंटेंस एसएससी सीएचएसएल में भी आया था, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा आया था, कह रहा था फादर डजंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा डेली। फादर डजेंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा डेली, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। देखना जरा एक बार, सही है दोस्तों गलत है? फादर डजेंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा डेली, स्पोकन इंग्लिश में रोज हम ऐसे ही बोलते हैं, माई ब्रदर विल नॉट अलाउ मी गोइंग एट द नाइट, फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा डेली, वॉट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग दिस सेशन, द सेशन। अब यहां पर एक कंसेप्ट हमें समझना है, पहले जैसे मर्जी समझ लो इसको। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया फादर, बोलो यस नो, डजेंट हेल्पिंग वर्ब हो गई, ऑक्सिलरी हो गई, लाइक मेन वर्ब हो गई। अब अगर सेंटेंस इतना होता फादर डज नॉट लाइक मी, तो इसका मीनिंग क्या होता? पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। भाई पिताजी अगर पसंद नहीं करते तो इतना बड़ा कैसे हो गया? और पिताजी तो ये कहना ही चाह रहे थे, भाई पिताजी आपको पसंद नहीं करते, ऐसे तो ऐसा तो मैटर ही नहीं है। पिताजी क्या नहीं पसंद करते? आपका रोज रोज सिनेमा जाना पसंद नहीं करते पिताजी। और हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा डेली, विच मीन्स मुझे पसंद नहीं करते, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पर मी नहीं प्यारे बच्चों, यानी ऑब्जेक्टिव केस हटाकर, ठीक है, पजेसिव केस आएगा। पिताजी पसंद नहीं करते, फादर जो हो गया सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, डजेंट लाइक वर्ब हो गई, और ये माई गोइंग टू द सिनेमा डेली ये पूरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चों, और सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। फादर डज नॉट लाइक वट? माई गोइंग टू द सिनेमा, मेरा रोज रोज सिनेमा जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पढ़ने में सही लग रहा था, अभी पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ग्रामेटिकली यही करेक्ट है। जहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होगी उसी कंसेप्ट से एरर आती है, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी समझ में आ जाना चाहिए। वॉट इज द यूज ऑफ वॉट? वॉट इज द यूज ऑफ वॉट? किस चीज का यूज? वॉट इज द यूज ऑफ वॉट? ये गड़बड़ है ना, ये गड़बड़ है। वॉट इज द यूज ऑफ माई अटेंडिंग? मेरे सेशन को अटेंड करने पर मुझे क्या मिलेगा, क्या यूज है इसका, ठीक है, क्या आउटकम आएगा इसका? सो इट शुड बी माई अटेंडिंग दिस सेशन, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट।
एक्चुअली थिंग इज दैट यहाँ पर पता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अगर बताऊं तो ये जेरंड है प्यारे बच्चे, ठीक है। और जेरंड से पहले प्रोनाउन का पजेसिव केस आता है हमेशा। ये है पजेसिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस डालकर एरर बनाएगा आपका, आपको पजेसिव केस में बदल देना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा सब कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वी मेट आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर फॉर अ ब्रीफिंग सेशन इन द ताज होटल। ध्यान से पढ़ो, अच्छे से बनाओ सब बच्चे। बनाया प्यारे बच्चों। नाउ क्या कह रहा है देखें जरा एक बार। कह रहा है वी मेट आर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, ठीक है, मिले वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आया प्रपोजिशन, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आ गया प्रपोजिशन, ठीक है, ये आर्टिकल, ये एडजेक्टिव, ये नाउन, ये फिर से आपका प्रपोजिशन, ये आर्टिकल, और ये ताजमहल, ताज होटल, कंपाउंड नाउन। अब कहानी क्या है, यहां पर एरर बनती है, ये अच्छी एरर है। ऐसे बोलते हैं ब्रीफिंग सेशन, ब्रीफिंग सेशन कॉर्पोरेट में ना, ब्रीफिंग सेशन रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी ब्रीफ सेशन, ठीक है, ब्रीफिंग सेशन नहीं। वॉशिंग मशीन नहीं, वॉश मशीन। स्लीपिंग रूम नहीं, स्लीप रूम। डाइनिंग टेबल नहीं, डाइन टेबल। तो इस तरीके की एरर टाइम टाइम पर आती रहती है प्यारे बच्चों। बोलने में सब चलेगा, लेकिन इंग्लिश बढ़िया लैंग्वेज है, मतलब हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी अगर हम सही से नहीं इसको। सेशन, ब्रीफिंग सेशन का मतलब ब्रीफ करता हुआ सेशन। सेशन कैसे ब्रीफ करेगा, कोई बंदा करेगा, कोई 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 आकर वहां पर कुछ बताएगा, है ना। तो ब्रीफ का मतलब होता है स्मॉल। चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं, ध्यान से पढ़ना सब चीजें, एकदम नोट्स बना लिया करो अच्छे से, ठीक है। एक एक चीजें के नोट्स बनाया करो दोस्तों। जो भी बच्चा मेरी क्लास में रेगुलर है, हर रोज सुबह द हिंदू लगा रहा है, स्पेशल क्लासेस अटेंड कर रहा है, टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ है, जो भी स्टडी मटेरियल भेजा जा रहा है उस स्टडी मटेरियल को खोल कर अपना रिवाइज करता है, नोट करता है, 100% इंग्लिश उसको परेशान नहीं करेगी। Now it says because of the severe snowstorm, बर्फीला तूफान। सीवियर का मतलब हार्श, है ना, रफ। एंड द रोड ब्लॉक्स, रास्ते भी बंद थे। द एयरफोर्स ड्रॉप्ड फूड एंड मेडिकल सप्लाईज क्लोज टू द सिटी। बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए आइए जरा समझते हैं। सो बिकॉज ऑफ सीवियर, यहां पर कह रहा है बिकॉज ऑफ सीवियर स्नो स्टॉर्म एंड रोड ब्लॉक्स, तो यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहां पर एक कॉमा होना चाहिए इसके बाद। द एयरफोर्स ड्रॉप्ड फूड एंड मेडिकल सप्लाईज, खाने पीने की चीजें और जो भी दवा दारू दवाइयां हैं। क्लोज जो होता है ना, वो एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन हम प्रपोजिशन लगाएंगे नियर, ठीक है, नियर द सिटी। तो ये अच्छी एरर आई हुई थी, प्रपोजिशन से एरर देख रहे हो, बार बार पूछ रहा है, प्रपोजिशन से एरर आ रही है। सो इट शुड बी नियर द सिटी, टू भी हटा देना, नियर टू नहीं, क्लोज टू जो है ना पूरा हटा देना, क्लोज टू हटेगा, ठीक है, नियर प्रपोजिशन लग जाएगी, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सेंटेंसेज आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड। अच्छा, पहले हमने एरर डिटेक्शन किया है जो पिछले एग्जाम्स में आया, ठीक है, ये पूरा जीडी का पेपर उठाया हुआ हम लोगों ने, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है, ध्यान से बनाना प्यारे बच्चों।
पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का आपके सामने है प्यारे बच्चों। फिल इन द ब्लैंक पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, मेजर्स का मतलब मापदंड, स्टेप्स आर वेरी आर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब क्या? हाँ, महंगे होना। आज सुबह कल कल द हिंदू में किया था ना, मैनी इंडस्ट्रीज हेजिटेट टू अडॉप्ट देम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर ढंग से हमने इसको पढ़ा है ग्रामर को तो हम इसको कर लेंगे। ऑल दो हावेवर बिकॉज और डिस्पाइट, इनमें से कुछ उठाना है हमें। ऑल दो हावेवर बिकॉज डिस्पाइट, इनमें से कुछ ना कुछ हमें लेना है। ध्यान रखना ऑल दो हमेशा, ऑल दो और हावेवर, ठीक है, ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होती है तब, ठीक है। यहां पर आपको कंजंक्शन ऑफ रीजन लगाना पड़ेगा। जो पहले वाली लाइन है ना, पहले वाला जो क्लॉज है, ये पहले वाला एक्सपेंसिव तक, ये कारण है और ये उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज। अब देखो क्यों, कंजंक्शन बिकॉज जो होता है रीजन को लेकर आता है, कारण को बताता है। किस लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, क्योंकि बहुत महंगे हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हेजिटेट कर रही है उनको अपनाने में, कि भाई इतना खर्चा कौन करेगा। तो कंजंक्शन ऑफ रीजन चाहिए। सिंस लगा दो, एज लगा दो, बिकॉज लगा दो, इन सब से आप, ये सब कंजंक्शन ऑफ रीजन होते हैं। एज पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स आर एक्सपेंसिव, या सिंस लिख दो या बिकॉज लिख दो, लेकिन यहां पर कारण की जरूरत है, ठीक है। ऐसे डिटेल में हमें पढ़ना चाहिए। सारे कंजंक्शन है लेकिन कहानी ये है कंजंक्शन कौन सा लगेगा, ठीक है। चलिए फिर, बढ़िया, ध्यान से पढ़ो दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। अभी एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, लोकोक्ति है, इट इज नॉट फिल इन द ब्लैंक फॉर अ मैन टू बी कंफर्म टू द परस्यूट ऑफ वेल्थ। परस्यूट का मतलब होता है सर्च, इन परस्यूट ऑफ समथिंग का मतलब इन सर्च ऑफ समथिंग, इन सर्च ऑफ किसी चीज की खोज में, लिख लेना, अच्छा वर्ड है, आता है पेपर में। सो इट इज नॉट हेल्दी, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट कॉमन फॉर अ मैन टू बी कन्फर्म्ड टू द परसूट ऑफ वेल्थ। अब रुपए पैसे धंधा, जो भी काम धंधा कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, कन्फर्म होना कैसा है? हेल्दी है, इजी है? इट इज नॉट इजी, ऐसे लिखा हुआ, ध्यान देना। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट कॉमन, इट इज नॉट हेल्दी। तो अगर जरा सा भी लॉजिक लगा रहे हैं तो साफ साफ पता लग रहा है कि इट इज नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है कि भाई इतनी कमाइयां हो जाएंगी, ठीक है। परसूट ऑफ वेल्थ इतनी आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता, भटकना पड़ता है। सो इट इज नॉट इजी फॉर अ मैन टू बी कन्फर्म्ड, श्योर होना, पक्का होना टू द परसूट ऑफ वेल्थ ना, कितना कंपटीशन है, कितना बुरा हाल है। सो यहां पर इजी बिल्कुल ठीक हुआ। चलो नेक्स्ट वन उठाते हैं, ध्यान से पढ़ना। गो थ्रू किया सब बच्चों ने। फिलिंग द ब्लैंक हिज बींग इनोसेंट, फिलिंग द ब्लैंक हिज बींग इनोसेंट ऑफ द क्राइम, हिज बींग इनोसेंट ऑफ द क्राइम, द जज सेंटेंस्ड हिम टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट। वॉट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इम्प्रिजनमेंट?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इम्प्रिजनमेंट? हाँ, कैद कह रहा है, कैद, ठीक है, जेल, ठीक है, जेल में डाल देना, कैद कर देना। तो इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग इनोसेंट, या इन केस ऑफ, या ऑन अकाउंट ऑफ, या इन द इवेंट ऑफ, तो ये सब गलत है। ध्यान दो, पहले वाला क्या कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग इनोसेंट ऑफ द क्राइम, हालांकि वो इनोसेंट था फिर भी, ठीक है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। भाई, इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग इनोसेंट, उसका इनोसेंट होना, उसका मासूम होना, यानी उसका मतलब वो क्रिमिनल नहीं था, ठीक है। अब द क्राइम, द जज सेंटेंस्ड हिम टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, मासूम की जगह क्या बोलेंगे, जिसने क्राइम ना किया हो के बावजूद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ध्यान से पढ़ो। इट इज अ स्टोरी ऑफ टू मैन, दो बंदों की, दो आदमियों की, एंड अ बैच ऑफ फिल द ब्लैंक आर्मर्ड, गोला बारूद वाला, यानी आर्मी वाला जो होता है ना, कार्स, उनकी स्टोरी है बस ये। तो वो आर्मर्ड कार्स कैसी हैं, डिसीज्ड हैं, डिजीज्ड हैं, डिक्रिपिट हैं, डिक्रिपिट और डिफीटेड हैं। चलिए, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अब देखो, कार, भाई ये जो भी आप लिख रहे हो उस कार को लिए लिख रहे हो ना, कार एक नॉन लिविंग चीज है भाई। ये सारे वर्ड जो है ना प्यारे बच्चों, ये एडजेक्टिव्स है। अब एडजेक्टिव्स ये लगे किसके लिए है, इस वाले नाउन के लिए, कार के लिए। तो कार मर सकती है क्या, तो डिसीज गलत हो जाएगा। मान लीजिए, चलिए हमें इसका इनका मतलब नहीं पता, लेकिन हमारे पास लॉजिक तो है ना, कार में बीमारी हो सकती है तो ये गलत, कार डिफीट हो सकती है तो ये गलत। देखो, अगर आपका लॉजिक्स है ना, तो आप 100% ना आने वाला क्वेश्चन भी, आपका दिमाग कैसे चलता है, आप रूल नंबर से सीख रहे हैं, आप रट्टे मारते रहते हैं, या आप थोड़ा बहुत लॉजिकल है, रीजनिंग है आपके पास। भाई, कार के लिए वर्ड चाहिए ना, कार के लिए डिसीज कैसे हो जाएगा, डिसीज का मतलब मृत, जो ऑलरेडी डेड है, डिजीज क्या हो जाएगा, जिसमें बीमारी लगी हुई है, डिफीटेड कैसे हो जाएगा ये, डिक्रिपिट का मतलब वेरी ओल्ड, जर्जर हालत में होना, वेरी ओल्ड। तो दो आदमी और पुरानी कारों का बैच, इनकी स्टोरी है पूरी की पूरी, उसी के आसपास चलती है। क्लियर है ना, मजेदार। हर रोज क्लास लगाया कोई प्यारे बच्चों, जो भी हर रोज क्लास, देखो रूल वूल नंबर से ना भाई कोई फायदा नहीं होगा। मैथ्स में रूल नंबर होते हैं, बोलो यस नो, मैथ्स में रूल नंबर है क्या? नहीं, ठीक है। इंग्लिश में होते हैं, कहां से आ गए, रीजनिंग में तो नहीं होते, ठीक है, जीएस में भी नहीं होते, रूल नंबर से नहीं होता कुछ भी। भाई, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रूल नंबर वाली पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलती है, ठीक है। चलो, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए, यहाँ पर 2 क्लासेस डेली, एक सुबह क्या नाम आपका, सुबह 10:30 पर द हिंदू की क्लास लगाया करिए, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास लगाइए शाम को 8 बजे वाली, ये क्लासेस आप लगाते रहिए। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस हैं, वो लगाइए प्यारे बच्चों, सभी क्लासेस लगाएंगे तब फायदा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ध्यान से पढ़ो। ऑल्दो देयर इज फिल इन द ब्लैंक गन फायर, गोलियां चल रही हैं, ठीक है, किस तरीके की, वो वहां पर हमें एडजेक्टिव लिखना है। देयर इज नो स्टिफ रेजिस्टेंस टू दी रेवोल्यूशनरी आर्मी, जो भी क्रांतिकारी जो जो विरोध कर रहे हैं, है ना, उनके, स्टिफ का मतलब होता है फर्म, कठोर, रेजिस्टेंस का मतलब रोकथाम। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देयर इज बेटर गन फायर, ये हो नहीं सकता। मीगर का मत, बेटर का मतलब हार्श, मीगर का मतलब कोई चीज बहुत कम मात्रा में होना, लिख लेना। आयोटा बहुत कम मात्रा किसी चीज की, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है, कमी होना किसी चीज की, डर्थ, ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, आयोटा ना के बराबर होना कोई चीज, रेयर होना, ये भी नहीं होगा। मीगर, रेन, लैक ऑफ रेन, ये भी नहीं हो सकता। दो गए अब, या तो कॉन्टिन्यूअस या फिर स्पॉरेडिक। अब बहुत सारे बच्चों को स्पॉरेडिक का मीनिंग मालूम है, इस वर्ड का मीनिंग होता क्या है, तो इस वर्ड का मीनिंग लिख लो, ये आता है वर्ड इंपॉर्टेंट है पेपर में, इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का मतलब रुक रुक कर, ठीक है, एट इंटरवल्स, एट इंटरवल्स, यानी रुक रुक कर कोई चीज हो रही है। तो ये सही आंसर बनेगा डी वाला, स्पोरेडिक रेन, ठीक है, रेन कैसे हो रही है, बार बार हो रही है, फिर होती है फिर रुक जाती है, फिर होती है फिर रुक जाती है, ठीक है, तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे ही यहां पर रुक रुक कर गन फायर हो रही है, ठीक है। चलें आगे, सारे वर्ड्स लिख रहे हैं आप अच्छे से प्यारे बच्चों। चलिए यहां पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 टू 15, आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी अब फिर हम वोकैब में आ गए हैं, और बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब हमें क्या, सिनोनिम देना है यहाँ पर। चलिए भाई बनाते हैं सिनोनिम, ध्यान से बनाना, बढ़िया, अच्छे सिनोनिम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन तब मेरे बच्चे जब आप सुबह द हिंदू वाली क्लास डेली लगाते रहेंगे। द वर्ड इज वॉसीफेरस, द वर्ड इज वॉसीफेरस, तो ऑलरेडी हमने द हिंदू में पढ़ा हुआ है बच्चे ये वर्ड, सुबह वाली जो अपनी क्लास होती है 10:30 बजे वाली YT पर, एक एडजेक्टिव है वर्ड प्यारे बच्चों, इट्स एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब पहले इसका मीनिंग लिखना शुरू करो, एक साथ सारे वर्ड्स नोट किया करो, कॉपी बनाओ, रजिस्टर में अपने नोट करो। वॉसीफेरस का मतलब होता है नॉइजी, लाउड, ठीक है, बॉयस्टीरियस, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं पेपर में, फुल ऑफ नॉइज, हल्ला गुल्ला वाला, ठीक है, क्लैमरस, रकस, रंपस, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। स्टैम्पीड लिख लेना, स्टैम्पीड का मतलब होता है भगदड़, भगदड़ मच जाना,
सो वॉसीफेरस फुल ऑफ नॉइज, नॉइजी, लाउड, बॉस्टीरियस, क्लैमरस, रकस, रंपस, स्टैम्पीड। एक ईडियम भी होता है, लिख लेना, ह्यू एंड क्राई। ये ईडियम इंपॉर्टेंट है, आता है। इसका मतलब भी यही होता है, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई एट द रेलवे स्टेशन। तो लोगों में भगदड़ मची हुई थी, हल्ला गुल्ला था, चारों तरफ चीजें एकदम अस्त व्यस्त थी। वॉसीफेरस, इट वॉज अ वॉसीफेरस मीटिंग फुल ऑफ ऑब्जेक्शन। लोग बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वॉसीफेरस पार्टी, बॉयस्टीरियस, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, मस्ती काट रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। लिख लो, अच्छे वर्ड्स हैं सारे। तो सही आंसर तो पता लग गया आपको, क्या होगा इसका? एक मिनट बच्चे, हाँ कहाँ चल रहा है ये? मैं लाउड हो गया, ठीक है, लाउड। ट्रू आपको पता ही है, सीक्रेट आपको पता ही होगा। सीक्रेट का मतलब हिडन होता है मेरे बच्चों, सीक्रेट मतलब हिडन, ठीक है। वॉयलेंट अच्छा वर्ड है, वॉयलेंट के लिए वर्ड लिख लो। ये वर्ड लिख लिए सब बच्चों ने? सभी बच्चों ने ये वर्ड्स लिख लिए? चलो, वायलेंट, वायलेंस से बना, वायलेंट, वायलेंट एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर कोई वायलेंट है, भाई क्यों नहीं चल रहा, क्या दिक्कत है इसको? वायलेंट तो इसका मतलब बहुत ज्यादा क्रूल है, बारबेरियन है, ग्रुजली है। ग्रुजली अच्छा वर्ड है, ग्रूसम, भयावह, ड्रेडफुल, ठीक है, बारबेरियन, क्रूल, एट्रोसियस, मर्सीलेस। तो अगर आप सुबह वाली द हिंदू की क्लास लगाएं प्यारे बच्चों, तो वोकैब में यू विल बी अ लाइव डिक्शनरी। इतने वर्ड्स बच्चे सीख जाते हैं वहां पर, और उसके बाहर से कुछ भी नहीं आना, वोकैब वहीं से आनी है सारी। ऐसा मुझे बच्चों का एक्सपीरियंस है, उन्होंने बताया, जो 2021-22-20 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है सर, सारी वोकैब वही आई थी। अभी सीजीएल में इतने सारे वर्ड्स फंसे, ठीक है। सो वायलेंट का मतलब होता है, इट्स एन एडजेक्टिव, क्रूल है, हाँ, मर्सीलेस, एट्रोसियस, ड्रेडफुल, ग्रूसम, ग्रिजली, बहुत भयानक, खूंखार, सैवेज। लिख लेना, सैवेज अच्छा वर्ड है, SAVAGE, सैवेज, जिसका हुलिया बहुत खूंखार है, देखने में बहुत ज्यादा डरावना है। डन एवरीबॉडी, एक एक वर्ड नोट करना है, एक एक वर्ड नोट करोगे, बूंद बूंद से भरता भरता सागर। सीक्रेट के लिए बता ही दिया, ट्रू आपको पता ही है, लाउड पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द वर्ड इज फिक्शनल, फिक्शनल। बहुत सारे टीवी शो वगैरह देखते हैं, मूवी देखते हैं, बेस्ड ऑन फिक्शनल, फिक्शन पर बेस्ड है। समथिंग विच इज नॉट रियल, लिख लो। फिक्शनल का मतलब क्या हो जाएगा? सारे वर्ड नोट कर लो, अनरियल, अनट्रू, इमेजिनरी, फैंटास्टिक। फैंटेसी पर बेस्ड है, इसलिए फैंटास्टिक होता है, कल्पना से परे, ठीक है। फैंसीफुल भी इसका आंसर हो जाएगा यहां पर, फैंसीफुल,
हमें क्या ढूंढना है यहां पर, सिनोनिम ढूंढना है ना। हाँ तो फैंसीफुल हो गया, फैंसीफुल यहां भी लिख लो। तो फैंसीफुल इसका आंसर हो गया, जो काल्पनिक है, जो जो सच नहीं है, ठीक है। जो अपने उपन्यास वगैरह होती हैं, जो भी आप ये लोग पढ़ते हैं, आप ही सब है ना, कितनी सारी स्टोरीज वगैरह जो होती हैं, सब फिक्शन बेस्ड होती हैं। किसी ने बैठकर अपना सोच दिमाग लगाया और लिख दिया, सब शर्मा जी वर्मा जी डालकर एक स्टोरी बना दी, ठीक है। फिक्शन पर बेस्ड है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे वर्ड्स जो भी आज हमने किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दो तीन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों। देखिए आप, सबसे पहले तो आज नया साल था, नया साल का दिन है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा मैं आपको और आपके परिवार को अनअकैडमी के सारे टीचर्स की तरफ से, अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, इंग्लिश में रूल नंबर से मत पढ़िए, जितना रूल नंबर के चक्करों में अटकोगे ना, उतना परेशान हो जाओगे। मैथ्स की तरह पढ़िए, साइंस की तरह पढ़िए, उससे रीजनिंग की तरह पढ़िए, ठीक है। और उसके लिए आप मेरे साथ रेगुलर हो जाइए प्यारे बच्चों, सुबह 10:30 पर अन अकेडमी SSC लाइव चैनल पर ये क्लास लगाइए, सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्लास। उसके अलावा SSC लाइव पर रात को 8 बजे भी मेरी क्लास होती है, वहाँ पर क्लास लगाएं, सुबह 10:30 YT YouTube पर बता रहा हूँ, रात को 8 बजे। इसके अलावा जो भी मेरी प्लस क्लासेस हैं वो, या फिर स्पेशल क्लासेस हैं प्यारे बच्चों, इन सब में आओ। सबसे अच्छा आपको सारी क्लासेस आप तभी कर पाओगे जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, @englishbyravisir ऐसे करके सर्च करो, इंग्लिश बाय रवि सिंह है ना, मिल जाएगा आपको। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन, अच्छे से आपने सीखा होगा चीज़ों को। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले GD एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक्स अ लॉट प्यारे बच्चों।